शिमला में 11 सितंबर को प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में आयोजित मिनी कन्वेल के दौरान 2219 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 93 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए, जिनमें से 1500 करोड़ रुपए के 63 MU केवल पर्यटक क्षेत्र के लिए किए गए हैं। यह मिनी कन्वेल धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मिनी कन्वेल की अध्यक्षता की, जिसमें हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के उद्योगियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जर्मनी, नीदरलैंड और UAE में 3 अंतर्राष्ट्रीय रोड शो और दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में 6 घरेलू रोड शो आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी रोड शो व्यापारी समुदाय ने हिमाचल में निवेश करने में अपनी विशेष रुचि दिखाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और यह प्रदेश प्रतिक्रियाओं में सुधार लाने में फास्ट मूवर श्रेणी वाले राज्यों में सम्मानित हो गया। एकल खिड़की अनुश्रवण और अविकृति प्राधिकरण निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं और उत्तरदायी प्रशासन उपलब्ध करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का शांत और स्वच्छ वातावरण, संस्कृति और विविधता के साथ साथ राज्य पर्यटकों को साहसिक गतिविधियां, वन जीवन, इको पर्यटक धरोहर, अत्याधुनिक स्मारक, धार्मिक इकिड आदि विकल्प प्रदान करता है। जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में 85,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का अवधारणा पर विचार किया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस कन्वेल का मुख्य केंद्र पर्यटक और स्वास्थ्य वेलनेस है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 1,00,000 पर्यटकों की क्षमता है, जिसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों, कुल्लू और मनाली क्षेत्र के निवेशकों का स्वागत किया। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक JP काल्टा, PCCF अजय कुमार, उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा, राज्य और बाहरी राज्यों के उद्यमी भी अन्य सहित इस अवसर पर उपस्थित रहे। शिमला से NSTAR के लिए रमेश वर्मा की रिपोर्ट।